Hello everyone, assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. This is me, Kamran, and I am beauty fashion lifestyle blogger. Aro chup ho jao. Hey everyone, assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. तो आज की जो मेरी वीडियो है, दिस इज़ अबाउट हेयर कर्लिंग विद स्ट्रेटनर. आई नो काफ़ी गर्ल्स को आते होंगे और बहुत ही ईजी हैं, बट जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं आते, ये मेरी वीडियो स्पेशली उनके लिए है. तो आपको जो चीज़ें चाहिए उनमें है ओनली स्ट्रेटनर, और एक और चीज़ जो कि ऑप्शनल है बट बहुत ज़रूरी है, वो है हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे या हीट प्रोटेक्टिंग सीरम. वो इसलिए होता है कि जिस तरह दो तीन दिन फंक्शन है और आपको दो तीन दिन स्टाइल बनाने हैं, वो भी स्ट्रेटनर से, तो आपको वो आपके बाल जो है वो डैमेज नहीं करता, इसीलिए ज़रूरी है. अगर आप कभी कभार कर रहे हैं तो ऑप्शनल आप छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है. लेकिन अगर आपको डेली बेसिस पे करना है तो आपको वो ज़रूर लगाना पड़ेगा. बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इससे थोड़ा दूर रहें, आप ज़्यादा इसको यूज़ मत करें, ना ही स्ट्रेटनिंग के लिए ना ही कर्लिंग के लिए, कभी कभार चल जाता है. और एक और बात कि आपके जो बाल हैं वो या तो फ्रेशली वॉश्ड हों या एक दिन पहले के वॉश्ड हों. अगर एक दिन पहले के भी हैं तो भी चलेगा, बट दो या तीन दिन पहले के जो वॉश्ड हेयर्स होते हैं उन पे अगर आप कर्ल्स करेंगे तो एक तो गर्मियां हैं, ऊपर से पसीना आएगा. पसीने के बाद जो है, जिनका स्कैल्प ऑयली है, जैसे कि मेरा है, मेरा बहुत ऑयली है, मेरे बालों से ऑयल निकलता है, तो इसीलिए जिनका स्कैल्प ऑयली है वो तो फिर कुछ और ही स्टाइल बन जाएगा, बहुत बुरे लगेंगे. तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि या तो फ्रेशली वॉश्ड हों या एक दिन पहले के वॉश्ड हों. ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो मैंने जो है अपने बालों को बांध दिया है, कैमरे को जूम कर दिया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए. तो अब आपने ओनली मेरे हाथों की पोजीशन को देखना है. ठीक है, स्ट्रेटनर को आपने इस हाथ से ऐसे पकड़ा और यहाँ से ऐसे पकड़ा. अगर आप यूँ पकड़ेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा. ठीक है, यूँ पकड़ा स्ट्रेटनर, वन, ओके, यूँ रखा, टू, एंड कर्ल, थ्री, ओके, बाहर की साइड, अगेन, वन, टू, टू एंड कर्ल. ठीक हो गया, अब स्टार्ट करते हैं. देखें, यहां यू स्ट्रेटनर पकड़ा, अगेन वन, यू रखा, टू, थोड़ा सा सेक्शन लिया, स्ट्रेट 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 एंड कर्ल बाहर की साइड, थ्री, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन. ये देखें, ठीक है, फिर उसी तरीके से स्ट्रेटनर को ऐसे पकड़ा, इस तरह पकड़ा, यूं किया, ठीक हो गया, फिर थोड़ा सा सेक्शन लिया, यूं ही रख दिया, स्ट्रेट 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 एंड कर्ल, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन. आराम आराम से छोटे छोटे सेक्शन लेके करना है. जल्दी जल्दी किया तो बहुत ही अजीब से लूज़ हो जाएंगे कर्ल्स, और फिर जो है वो टाइट भी नहीं रहेंगे और खुल जाएंगे इस तरह. आ गया समझ? ये इसी तरह हमने एक और पार्ट लिया, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, नाइन एंड टेन, ऐसे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन. आराम आराम से करेंगे तो टाइट कर्ल्स होंगे, अदरवाइज जल्दी जल्दी छोड़ेंगे तो कोई भी कर्ल हो वो लूज ही होता है और खुल जाता है. ठीक है, मैं यहाँ जस्ट आप लोगों को डेमो दे रही हूँ. ये हो गया. अब यहाँ की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. यहाँ ऐसे नहीं करना, अपने राइट साइड पे, ठीक है, ये स्ट्रेटनर को ऐसे ऐसे ही उसी पोजीशन में पकड़ा और ये अपना बाल अंदर रख दिया. ठीक है, एक लट लेकर, एक सेक्शन लेकर अंदर रख दिया, स्ट्रेट 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 एंड ये कर बाहर की तरफ. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, नाइन एंड आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से
एंड ये देखिए, ठीक। फिर इसी तरह यहाँ से थोड़ा सा सेक्शन लिया दूसरा, उसको स्ट्रेटनर के ऐसे बीच में रखा, स्ट्रेट 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 एंड कर बाहर की साइड कर। वो जब आप करेंगे तो आप लोगों को खुद ही आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप किसी भी स्ट्रेटनर से, किसी भी कितने भी हेयर की शॉर्ट लेंथ हो, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। देन अगेन स्ट्रेट 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 एंड कर। ओके, अब मैं अपने और हेयर्स निकालूं, इसको हमने पीछे कर दिया। ये थी मेरी हेयर कर्लिंग टेक्निक स्ट्रेटनर। अगर आप लोगों को पसंद आई हो या आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।